Ya Ali Madad. Al-Waiz, Abu Ali, Waiz number 229. 11th of September 1982. Waiz in Franklin Jamaat Khana near Calgary. खुदा ताला को हमारी इबादत का शौक नहीं,
ना उन्हें हमारी इबादत की परवाह है। अगर हम खुदा की बंदगी ना करेंगे तो खुदा ताला छोटा नहीं होगा, अगर हम बंदगी करेंगे तो खुदा ताला को उसमें कोई पर्सनल फायदा कुछ नहीं। तो फिर ये बंदगी करने का जो हुक्म है तो वो ये है, तमाम जितनी भी दुनिया के अंदर एनर्जी है, हर किस्म की एनर्जी, रूहानी, मानसिक यानी मेंटल एनर्जी, शारीरिक एनर्जी, और एनर्जी के और भी बहुत से ऐसे शेप शक्लें हैं। देखो सूरज है, उसमें एनर्जी है, पानी के अंदर एनर्जी है, आग में एनर्जी है, हवा में एनर्जी है, जमीन में एनर्जी है, खुदा ताला ने हर जगह एनर्जी फैला रखी है। ये जो एनर्जी है ये आई की तरफ है, इस तमाम एनर्जी के जो सोर्स है वो खुद खुदा की पाक ज़ात है। तमाम एनर्जी की सोर्स खुदा आलमीन खुद है। साइंटिस्ट सन रिएक्टर बना के, सूरज की बैटरियां बना के उसके अंदर से हीट निकालते हैं, इलेक्ट्रिक करंट निकालते हैं, हवा से बहुत सी विंड मिल चलाते हैं, टरबाइन चलाते हैं और उससे सोर्स में से एनर्जी लेते हैं। इसी तरह से पानी को इकट्ठा करके उसकी फॉल बनाते हैं और पानी की इस फ्लो के अंदर टरबाइन रखते हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। जमीन के अंदर भी एनर्जी बेहिसाब है, जमीन की जो एनर्जी है वो दूसरी किस्म की है, जमीन के अंदर ठंडक भी है, जमीन के अंदर बहुत बड़ी हीट भी है। आप देखो ये आपकी गाड़ियां चलती हैं, जो पेट्रोल और गैस चलाते हो कहाँ से आता है, जमीन के अंदर से आता है। जमीन एक ऐसी चीज है कि आप कुछ भी उसमें दफन कर दो, कुछ वर्षों के बाद चाहे वो थोड़ा टाइम होवे या लंबा टाइम होवे, जमीन हर चीज को खा जाती है। तो जमीन के अंदर भी खुदा ने बहुत एनर्जी रखी है। ये बड़े बड़े झाड़, ये वनस्पति, वेजिटेशन वगैरह जो पैदा होती है, तो जमीन के अंदर जो एनर्जी है, जो अंदर केमिकल एक्शन होते हैं, वो हमारे फल फ्रूट वेजिटेबल और ऐसी चीजें पैदा करती है। तो तमाम एनर्जी की जो सोर्स है वो कहाँ से आई? खुदा ताला दो तीन जगह कुरान शरीफ में फरमाता है कि तुम सोचो कि तुम कौन थे। फरमाता है तुम्हारी जो असल है वो कीचड़ है, मड, ह्यूमन सीड जो है वो मड की तरह है। अल्लाह ताला फरमाता है तुम गंदे पानी में से पैदा किए गए। क्यों खुदा ने हमको ऐसा कलाम के अंदर फरमाया? क्या इसलिए कि हमें कोई मगरूरी ना आवे? हमारी असल क्या है? गंदा पानी। उसके अंदर से माँ के ब्लड से खुदा ताला ने एनर्जी की सोर्स रख के हमको आस्ते आस्ते छोटे से, जो आंख से नजर न आ सके, ऐसे जीवांत में से, ऐसे जर्म में से हमको 200 रतल का आदमी बना देता है। ये बच्चा जब भी पैदा होके बाहर आता है 7-8 पाउंड का के 10 पाउंड का, उस वक्त वो कितना कमजोर है, मगर इसी बच्चे को पाल पोस के खुदा 20-25 बरस के अंदर जब जवान बना देता है, उसको जब ये एजुकेशन देता है, उसको खुदा रोजी देता है, उसको 2-4 पैसे मिल जाते हैं, तो बस वो ये समझता है मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं। और मेजोरिटी तो ये समझती है कि खुदा खुदा कुछ नहीं, भाई तुम आया किधर से, तेरी असल क्या है, कहो रे जीवत में किस कारण आया जी, कहो। फिर सवाल करते हैं कि तुम कभी आराम से बैठ के सोचो तुम दुनिया में आए क्यों और किस तरीके से, किस रास्ते से आए? इंसान जो घड़ी बैठ के इस बात के लिए सोचे तो उसको खुदा याद आता है, मैं खुद बखुद पैदा तो नहीं हुआ, किसी अपर हैंड ने, किसी पावरफुल एनर्जी ने, किसी ताकतवर हुक्म ने मुझे दुनिया के अंदर भेजा गया। अगर इंसान अपनी पैदाइश की बात सोच ले तो जानो
किस तरह खुदा इंसान को अपने बाप की पुश्त में से ट्रांसफर करके माँ के पेट में पाल पोस के हमें बाहर निकालता है, और फिर जब बूढ़ा होता है तो उसको लपेट लपाट के कपड़े के अंदर जमीन में हम दफन कर देते हैं, मिट गया, अननोन जगह से आता है, अननोन जगह में चला गया। 40-50 बरस के बाद उसकी कब्र खोदो तो चमड़ा भी जल गया, सड़ गया, वो चमड़ा किधर गया, कीड़े खा गए, हड्डियां भी वो सीधा हो गई, यानी हड्डियां भी सड़ गई, पाउडर बन जाती हैं, मतलब थोड़ा टाइम और लग जाए मगर जमीन खा जाती है। ये हमारी औकात है, ये हमारी असल है, हम नीचे हैं, हमारी हालत बहुत कमजोर है, हम लोग बहुत वीक हैं। खुदा ताला की शक्तियों के सामने, कुदरत की जो ताकतें हैं, नेचुरल फोर्सेस जो हैं, उनके सामने इंसान की कोई ताकत है? ये सब कुछ याद करके हमको पीरों ने, रसूल ने, अल्लाह ने दुनिया के अंदर इस तरह से फरमाया कि इन सब को याद करके तुम्हारा सर झुक जाना चाहिए, खुदा ताला की उस महान शक्ति के सामने अपना सिर झुक जाना चाहिए, उसके सिवा कोई नहीं। मैं अर्ज कर रहा था आप जमात के सामने, कुदरत की ये बेहिसाब एनर्जी, ताकत की जो सोर्सेज हैं, वो तमाम की सबकी बड़ी सोर्स जो है वो खुद अल्लाह ताला की जात है। तो उस सोर्स के साथ जो कभी आपका कनेक्शन हो जाए, खुदा की जात के साथ जो कभी आपका संबंध हो जाए, तो आपके अंदर भी कितनी एनर्जी पैदा हो जाए। और वो एनर्जी ऐसा नहीं है कि खुदा ताला की याद से आप कोई 10-20 हजार टन का वजन उठा सकोगे, शारीरिक एनर्जी की बात नहीं, यहाँ रूहानी एनर्जी की बात है। अलबत्ता रूहानी एनर्जी के साथ साथ हमारी जो मानसिक मेंटल एनर्जी है उसके ऊपर उसका असर पड़ता है, इंसान का माइंड पावरफुल बनता है, उसकी शारीरिक हालत भी अच्छी रहती है, उसके बदन के अंदर पर बीमारी नहीं रहती। इबादत करने वाले जो लोग होते हैं वो उन लोगों से जो बंदगी नहीं करते, इबादत करने वाले ज्यादा तंदुरुस्त और हेल्दी होते हैं। वो लोग के जो इबादत करते हैं भले वो गरीब भी होंगे, मोहताज नहीं होंगे, और वो लोग के जो इबादत नहीं करते कभी मिलियनर्स भी होंगे, तो उनके मन के अंदर वो सुख नहीं होगा जो इबादत करने वाले गरीब के दिल के अंदर सुख होगा। ये है वो रूहानी चीज कि इबादत करने वाला आदमी हर पल हर जगह जहाँ उसकी नजर पहुंचती है, जो कुछ भी वो सोचता है, उसकी बैकग्राउंड के अंदर उसको खुदा याद आता है। हम दिल खालिक अल्लाह तू ही जो मत है, ऐ परवरदिगार तू मेरा पैदा करने वाला, मेरा खालिक है, मेरे दिल में हमेशा तू ही बसता है, अवर न दूजा कोई, मेरे दिल में तेरे सिवा और कोई नहीं बसता, तू ऐसा है जो चाहता है वो होता है, जो तू चाहता है या मौला वही होता है। अगर आदमी ये एक सेंटेंस जो भी हसन कबीर दिन ने फरमाया ये समझ ले दे, तो सारे कुरान शरीफ का एसेंस इसमें आया। खुदा भी हमें यही फरमाता रहता है कि अल्लाह को याद करो, अल्लाह से डरते रहो। वो डरना एक जालिम आदमी की तरह से डरा ऐसा डर नहीं है, मगर खुदा से डरने का मतलब ये है कि हम बदियां करेंगे तो खुदा हमें छोड़ने वाला नहीं, खुदा किसी की फेवर नहीं करेगा। कभी हमने जुल्म किया, गुनाह किया, हमने किसी के ऊपर अन्याय किया, किसी के साथ हमने दगा फरेब किया, तो खुदा ताला ने जो कानून जो कायदा बना रखा है हमको वो छोड़ने वाला नहीं। सैया जी मोरे डर लागो एक दिन को, ए दिन को रे घड़ी पल को, सैया जी मोरे डर लागो एक दिन को। एक डर है,
उस घड़ी का डर है, उस पल का डर है। वो घड़ी और पल कौन सा? एक दिन साहिबान सबको बुलावे, एक दिन साहिबान सबको बुलावे, लेखा लेते तिलक भाई, लेखा लेते तिलक सैया जी मोरे डर लागो एक दिन को। उस दिन खुदा सबको बुलाएगा, आप उन आदमियों को जो नास्तिक हैं, जो खुदा को मानते नहीं, जो यही कहते हैं कि यही दुनिया है हमारी, एवरीथिंग इज हियर, अच्छा उनको पूछो कि तुम मरोगे कि नहीं, तो दुनिया में आपको एक भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा कि जो ये कहे कि मुझे नहीं मरना, एक भी नहीं मिलेगा। यानी हर एक बशर को वो खुदा ताला को मानता है या नास्तिक है, वो अकल वाला होवे कि पागल भी होवे, तो ये तो मानता है कि मुझे मरना है। ये एक ऐसी हकीकत है, ये एक ऐसी सच्चाई है दीनदारों कि जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो उस दिन का हमें डर है, एक दिन साहिब सबको बुला ले और लिखा लेते तिल तिल का। तिल कहते हैं इंग्लिश के अंदर छोटा सा सीड होता है जिसको सिम सिम कहते हैं। ये जो सिम सिम है बहुत छोटा सीड है। मतलब कहने का यह है कि छोटी सी बात भी जो तुम अच्छी या बुरी करोगे, खुदा ताला तुम्हारे से हिसाब मांगेगा। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि एटम जितनी भी नेकी तुम्हारी बर्बाद नहीं होगी, और एटम जितना भी गुनाह होगा उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। बिल्कुल एक और गिनान के अंदर है, इस तरह से फरमाया है, लूना पानी ना साहिब एले खाले से किम करी उत्तर दिया दे सो, जुगे सर श्रेष्ठ गुर बिना मुगतीना होए जी। नूर पानी नमक इंसान कितना खाता है, उसकी फूड में सबसे लेस क्वांटिटी जो होता है वो नमक की है। तो पीर का कहना यह है कि लून और पानी, कि तुमने कितना नमक खाया कितना पानी पिया, मतलब कि तुम्हारी रोजी रिजक की हर चीज का खुदा हिसाब मांगेगा। तुमने वो नमक जो खाया चोरी करके खाया, जो तुमने खाना खाया हलाल का खाया हराम का खाया, जो तुम्हारे पेट के अंदर जो कुछ भी गया वो तुमने बदमाशी करके जुलम करके मार धाड़ करके दूसरे का हक खाया कि खुद का हक खाया, ये हिसाब देना पड़ेगा। और खुदा किसी को छोड़ने वाला नहीं। जैसे जैसे दुनिया आगे जा रही है, मैं अपनी बहुत सी वाज़ों के अंदर गए 5-6 साल से इस टॉपिक को मैं रिपीटिडली बयान कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं अभी बूढ़ा हो रहा हूँ, ना मालूम मुझे कभी मौत आए, मगर ये टेपे रह जाएंगी और आप लोग कभी ना कभी 20-25 बरस के बाद या कभी सुनोगे तो किसी कहने वाले ने आपको कहा है। जैसे जैसे दुनिया जाएगी, पीरों के गिनानों के आधार से कहता हूँ, दुनिया के अंदर जुल्म बढ़ता जाएगा, गुनाह बढ़ते जाएंगे, बदियां बढ़ती जाएंगी, नास्तिकवाद बढ़ता जाएगा, बिलीवर कम होते जाएंगे, ईमानदार घटते जाएंगे, मोमन घटते जाएंगे, वो लोग भी के जो रोज जमात खाने मंदिर मस्जिद के अंदर जाते हैं, वो लोग भी के जो ज़हरा दुआ पढ़ते नमाज पढ़ते हैं तस्बीहां निकालते हैं दाढ़ियां जब्बे पहनते हैं, वो लोग भी के जो खुद को अच्छा ईमानदार और मोमन और धार्मिक बनाते हैं, उन लोगों के अंदर भी बहुत से बदमाश हैं, उन्होंने ये ज़हरा ढोंग रचा रखा है। अंतर की बात खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। हमको पीरों ने जो डराया है वो डराना ये है कि तुम्हारा अंदर और बाहर एक होना चाहिए, वो डराना ये है कि तुम्हारे आमाल साफ होने चाहिए, वो डराना ये है कि तुम्हारी रोजी हक हलाल की होनी चाहिए, जो काम करो नेक काम करो, किसी पे जुल्म न करो, किसी का दिल न दुखाओ, किसी का हक न खाओ,
कोई राजी खुशी से तुम्हें खिलाए, खुशी से खाओ, तो खुदा ताला ने तुम्हें रोजी दी हुई है। लेकिन दगा फरेब करके बहुत से ऐसे आदमी कनाडा के अंदर बैठे हुए हैं कि जो अफ्रीका से लोगों के पैसे उन्होंने दिए कि इधर दे देना मुझको, तो वो खा पी के बैठे हुए हैं, आज वो मजे करते हैं। ऐसे बहुत से आदमी हैं, मगर याद रखो खुदा कभी नहीं छोड़ेगा, खुदा कभी नहीं छोड़ेगा, एक एक पाई निकालेगा। खुदा ताला जो है वो आदिल है, आदिल कहते हैं जस्टिस करने वाला, उसके हुजूर के अंदर राइट एंड रॉन्ग की तराजू है। कुरान शरीफ के अंदर दो जगह अल्लाह ने फरमाया है कि खुदा ताला की जो मीजान है, जो स्केल है, वो कभी झूठ नहीं बोलती, वो कभी खोट नहीं बोलती। वो जो मीजान है, वो मीजान खुद हमारे अंदर भी रखी हुई है, हमारी जो कॉन्शियंस है वो खुदा की मीजान है। लेकिन जो आदमी बदियां करके, गुनाह करके अपनी कॉन्शियंस की मीजान को तोड़ देता है, फिर उसको पता नहीं लगता मैं अच्छा करता हूँ कि बुरा करता हूँ, क्योंकि उसने खुदा ताला के साथ संबंध तोड़ दिया। खुदा ताला के पास रहम मांगो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान फरमाया है कि तुम्हारी इबादत की दो पिलर्स हैं, इन पिलर्स के ऊपर तुम्हारी सारी इबादत टिकी हुई है, इन दो पिलर्स को बहुत संभालो। एक तो ये है इस्तगफार करो, यानी खुदा के हुजूर में अपने गुनाहों की माफी मांगते रहो। कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं जो भूल नहीं करता। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, बैतुल ख्याल के फरमानों में है, मौला फरमाते हैं कि दुनिया में अच्छे से अच्छा मोमन भी कम से कम 7 गुना रोल कर देता है, हो जाते हैं। गुना 2 किस्म के हैं, एक जो इंसान अपनी वीकनेस के कारण से, भूल के कारण से मिस्टेक हो जाती है, दूसरा जानबूझ के करता है। इन दो में फर्क है। इंटेंशनली गुनाह किया जावे वो गुनाह की सजा मिलती है, अन इंटेंशनली जो गुनाह किए जाते हैं वो खुदा ताला के हुजूर में माफी मांगने से, इबादत करने से, नेकी करने से खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वाइप आउट हो जाते हैं। लेकिन जानबूझ के किए हुए जो गुनाह हैं उनकी खुदा सजा देता है। एक दफा बम्बई के बड़े कारखाने जमात खाने के अंदर सरकार एक मेहमानी के अंदर बैठे थे, किसी एक भगत की मेहमानी थी। मौला को कहता हाथ जोड़ के, मौला मैं बहुत गुनहगार हूँ। मौला फरमाया अलबत इंसान है, उससे गुनाह हो जाते हैं। उसने फिर कहा खुदावंद मैं बहुत गुनहगार हूँ। मौला ने फिर यही फरमान किया। उसने तीसरी दफा जब बहुत जोर लगा के कहा कि खुदावंद मैं बहुत गुनहगार हूँ, उसके दिल में शायद ये ख्याल होगा कि मौला क्या रिवजा तेरे सब गुनाह माफ कर दिया, वो ऐसा चाहता होगा। लेकिन इमाम दिल को जानता है, नियत को जानता है। जब उसने तीसरी दफा भी कहा, एक बच्चा बैठा था, उसके हाथ में रुमाल था। माँ बाप ने बच्चे को कहा मुझे रुमाल दे। सुतना बच्चा के खीसे में कभी रुमाल नहीं होता था, कभी पसीना आ जावे। बम्बई के अंदर कभी गर्मी होती थी दिसंबर या जनवरी में, तो मौला अपनी आस्तीन कोट की जो स्लीव है ना ऐसा पूछ लेवे उसके साथ। तो बच्चे को कहा मुझे रुमाल दे, बच्चे ने अपना हैंकी दिया। इमाम ने उसको रुमाल को ऐसा खोल लिया और उस भगत को फरमान किया, देखो जब भी तुम छोटे छोटे गुनाह करते हो हम अपना मुंह छुपा लेते हैं। रुमाल से अपना मुंह ढांप लिया मौला ने, मतलब यह कि मैं लेट गो करता हूं, नजरअंदाज कर देता। फिर मौला ने सामने लिस्ट थी, मौला फरमाया देखो लिस्ट जितना बड़ा गुनाह करोगे जरूर सजा मिलेगी। लिस्ट जितना बड़ा गुनाह क्या, जानबूझ के जो गुनाह होता है वो बड़ा गुनाह होता है। वो गुनाह जो अनजानपन में हो जाते हैं, मौला ने अपना मुंह छुपा के कहा कि मैं उसको नजरअंदाज करता हूँ, यानी मैं देखता नहीं हूँ, मैं उसकी परवाह नहीं करता हूँ, वो मुआफ हो जाते हैं। जैसे ही एक इंसान अपने घर से जमात खाने आने की नियत करके कपड़े पहन के निकलता है, तो पीर ने गिनान में लिखा है अपने घर से जमात खाने आते वक्त एक एक कदम के ऊपर तुमको 1 करोड़ मजलिसें करने का सवाब मिलता है। मजलिस का शब्द गिनान में नहीं, गिनान में तो यज्ञ का है,
यह संस्कृत वर्ड है और यज्ञ का मतलब मजलिस। एक आदमी मुखी कांवड़िया के पास आके कहे, मुखी साहब मुझे मजलिस बनानी है, तो सुफरा जुरा ये सब चीजों का खर्च उसके ऊपर पड़ता है, तो मजलिस बनाने का खर्च होता है। मजलिस बनाने का जो सवाब है, ऐसी 1 करोड़ मजलिसें बनाओ तो मौला के घर में अपने इश्क और ईमान के साथ जो 1 कदम उठाते हो, तो गिनान में लिखा है तुमको 1 करोड़ मजलिस का तुम्हें सवाब मिलता है। तो उस सवाब के सामने हमारी बहुत सी गुनाह की चीजें खुद ब खुद मुआफ हो जाती हैं। यदि हमारा अकाउंट रेड में चलता हो बैंक के अंदर, यानी बैंक से हमने ओवरड्रॉ लिया है, तो जब हम उसके अंदर क्रेडिट में डाल देंगे तो वो ओवरड्रॉ ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वाइप आउट हो जाएगा। ये जो कोई चालिया वे हम सामो एक जे मन्ना जगले जगले छोड़ जगनानु पुन्ना। दिनदारों शायद आप सोचते होंगे कि हमारे घर तो बहुत दूर हैं, पांव से चल के कहाँ आएंगे, तो ये सवाब रह जाता है। मगर याद रखो, आपकी गाड़ी के जो वो गुड़गुम चलते हैं ना, पहिए चलते हैं, उसकी एक चक्कर के ऊपर आपको ये सवाब मिलेगा। आपकी नीयत होनी चाहिए कि हम प्रेम मोहब्बत से जाते हैं। खुदा तो बख्शीश देने के लिए बैठा हुआ है, तो मौला उसका फरमान करते हैं, लिप्त जितना गुनाह करोगे जरूर सजा मिलेगी। जान बूझ के जो चीज तुम्हें कही गई कि ये नहीं करना फिर भी तुम करोगे, तो उसका मतलब तो ये है कि खुदा ताला की ऑपोजिशन हो गई। हमको अगर मौलाना हजरत इमाम एक चीज फरमा दे और हम ना करें, तो उसका मतलब यह है कि हमने हजरत इमाम के सामने लड़ाई की, हम उसकी ऑपोजिशन में खड़े हो गए, ईमान बर्बाद हो गया। जानबूझ के गुनाह इंसान मोमन से नहीं होने चाहिए, जानबूझ के भूल मत करो। और अगर कोई मजबूरी से कोई चीज हमें गुनाह की करनी पड़ती है, यानी मैं मिसाल दूं आपको, हमें हुक्म किया है हमारे मौला ने हर रोज जमा खाने आओ, आपको यहाँ यह मुश्किल है, बहुत दूर दूर रहते हो, तो उस मौला को कहो, या मौला तेरा यह फरमान है, मेरा दिल जलता है, जमा खाना बहुत दूर है, लिफ्ट की तकलीफ है, और कोई तकलीफ आ गई, या मौला जमा खाने नहीं पहुंच सका मगर तुझे याद करता हूँ, तू रहम रहीमी है, मुझे बख्श दे। तो ऐसी आजिजी करो तो वो बख्श देता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, खुदा इतना शर्म वाला है कि जब उससे कोई आदमी मांगता है ना, तो वो खुदा उसको देता है। अरबी जबान के अंदर जिस आदमी को जिससे मांगा जाए और मना न करे उसको करीम कहते हैं, जिसके पास से मांगा जाए और मना न करे उसको शर्म आवे कि मैं इस आदमी को ना करूं, ना करने की जो शर्म है, जो आदमी इसे रखे उसको करीम कहते हैं। अल्लाह के नामों में जो करीम नाम है उसका यह मतलब है कि खुदा के पास जब मांगोगे तो खुदा को ना करने में शर्म आएगी। ये गिनानों के अंदर खुदा ताला के इस शर्म का जिक्र किया गया है। फाजल शानी विनती मुसे मेहर करो मेहरबान, कर्म करो ये तो शर्म रहेगी, हम बंदो दो सारी तू तार मिठाशा समरू मैं ते रो नाम आशा समरू मैं ते रो नाम खुदा समरू मैं तेरो नाम। मेरे मौला
करता हूँ कि तू मेरे ऊपर करम कर। करम करने वाले को करीम कहते हैं, करम करना बख्शीश देने को कहते हैं। कि तू करम करेगा तो शर्म रहेगी। मैं तो दोसारी हूँ, दोसारी कहते हैं दुनिया में भी फंसा हुआ हूँ, दीन में भी फंसा हुआ हूँ। न मेरी दुनिया पूरी है न मेरा दीन पूरा है, उसको दोसारी कहते हैं। ये लफ्ज जिनानों के अंदर बहुत है, दोसारी। हम बंदो दोसारी हैं, हम दुनिया में भी दीन में भी दोनों हालतों में कमजोर हैं। या मौला तू मेरा हाथ पकड़, तू मेरे ऊपर रहम कर, वगरना मेरा तो और कोई नहीं। ये चीज जब इबादत करने वाले बंदे के अंदर पैदा होती है तो इसको कहते हैं तवक्कल, खुदा के ऊपर भरोसा, खुदा के ऊपर रिलाई करना। यही चीज ईमान है। इस चीज को जब हम बढ़ाते हैं, जब हमारा भरोसा खुदा पे बढ़ता जाता है, जब खुदा के ऊपर हमारा एतकाद बढ़ता जाता है, जब खुदा के ऊपर हमारा रिलायंस बढ़ता जाता है, हमारा ईमान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे ईमान बढ़ता है, तैसे तैसे ईमान ताकत वाला